हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेन साहू। तो जल्दी हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक लेक्चर लेकर के, और वो लेक्चर होगा आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन में था। डबल फर्टिलाइजेशन तक जितनी भी कहानी थी वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में थी और अब हम पहुंच गए हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। दैट्स मीन कि हमने सब कुछ जान लिया, हमने जान लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, देन हमने पॉलिनेशन के प्रोसेस चलाया और पॉलिनेशन के बाद हमारा पॉलन मेल स्टिग्मा पर पहुंच गया था। जब हमारा पॉलन मेल स्टिग्मा पर पहुंच गया था तो क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन अब पहुंचा हमारी ओव्यूल के पास और ओव्यूल के पास हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारे न्यू व्यूअर हैं, अभी तक हमारे लेक्चर्स जो आप देखेंगे लास्ट से तो ये टॉपिक हो चुके हैं और आज हम नए लेक्चर पे चल रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सिक्वेंशियली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो पहली बात तो आपको बता दूं, एक जो क्वालिटी है हमारे चैनल की कि हमारे चैनल पे आईसीएससी और आईएससी के सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सब्जेक्ट आपको मिल रही है बिना किसी कॉस्ट के। ईयर लॉन्ग हमारा ये चलने वाला एक सीरीज है और पेपर के, यानी कि हमारे जैसे पेपर हमारे आएंगे हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, गेस्ट पेपर पे हम चर्चा करेंगे, इन सब चीजों पे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि हम एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं हर एक लेक्चर में, जो कि आज भी बताएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए अपने लेक्चर पे आ जाए और लेक्चर हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब आप अच्छे समझ रहे हैं। पोस्ट का मतलब क्या हो गया? बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, और फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको हम इवेंट कह रहे हैं। तो खुद आपके समझ में आया होगा कि सर आपने पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन में कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया था तो फर्टिलाइजेशन के बाद सर आपने जायगोट बनाया था, जायगोट के साथ साथ सर आपने एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन किया था, दोनों चीजें आपने करी थी। तो वही चीज है यहाँ पर, और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और खासकर मेरे साथ यानी अपने बायोलॉजी मेंटर नागेन साहू के साथ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में। सही, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो थ्योरी है, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको, इससे आपको अच्छे समझ में आए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की होने वाली घटनाएं क्या क्या है, समझे? सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, जो कहां से बना था, जब हमारा मेल गैमेट फ्यूज्ड हुआ एग सेल से, मेल गैमेट फ्यूज्ड हुआ किससे, एग सेल से, तो बना हमारा एंडोस्पर्म। और जब एंडोस्पर्म बना, सॉरी, मेल गैमेट फ्यूज्ड हुआ एग सेल से तो बनेगा क्या, एम्ब्रियो। और जब मेल गैमेट फ्यूज्ड हुआ पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लिया या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो बना एंडोस्पर्म। तो एक जगह हमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जानना है, एक जगह हमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जानना है। देन जब हम इनको जान जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जो आपकी एम्ब्रियो सैक था, जो आपका ओव्यूल था, वो ओव्यूल अब क्या बन जाएगा, वो ओव्यूल अब जो ओव्यूल हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। देन ओव्यूल किस जगह थी, आपको अच्छे से पता है कि ओव्यूल थी कहां पर, ओवरी में, तो ओवरी के साथ घटना क्या घटेगी, ओवरी हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में चार चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला, एक तो फॉर्मेशन हुआ एंडोस्पर्म का, सेकंड फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो का, थर्ड ओव्यूल्स बन गए हमारे सीड में, एंड फोर्थ ओवरी बन गई हमारी क्या, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो
तो एक एक के बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाइए एंडोस्पर्म की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिए अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा, एक्सेल पोलर न्यूक्लियस ये बना हमारा एंडोस्पर्म, ये हमारे जायगोट भाई साहब है। देन अब हमारा एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगी और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। आ जाइए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा जूम कर लिया जाए, इनको भी आपकी आंखों को दिक्कत ना हो। ये देखिए, अगर आप देखें तो एक ओव्यूल को दिखाने की कोशिश की है मैंने, इस कॉर्नर पे आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, इस कॉर्नर पे आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स हैं। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर एंडोस्पर्म इनिशिएशन एंड प्रोलिफरेशन, अब एंडोस्पर्म जो बन गया था अब वो प्रोलिफरेट करेगा, अब वो टिश्यू में डिफरेंशिएशन आएंगे। नीचे की तरफ देखिए सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल का न्यूक्लियस है, ये एक्सेल है, स्टैंडर्ड सेल है। ओवरऑल ये सारा स्ट्रक्चर जूम किया गया है, अगर इसको जूम ना किया जाए तो ये क्या है आपका, ये ओव्यूल था। तो कह रहा है इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात कर, एंडोस्पर्म था क्या, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू था, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू था जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था। तो इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव फ्री न्यूक्लियाई, दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आप इसको देखिए, मैं भी अपने चैनल में आपको बताने जा रहा हूं क्या, फिर क्या नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। चलिए अब आइए नेक्स्ट स्लाइड। कहने का मतलब ये है कि आपने जो एंडोस्पर्म बनाया ये एंडोस्पर्म बना कैसे था बताने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और हमारा मेल गैमेट। अब इस एंडोस्पर्म को हम आप देखें तो एक सेल के जैसा है एंडोस्पर्म, ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेल ये क्या है न्यूक्लियस है। अब देखिए आगे ये सेल है और ये क्या उसका है न्यूक्लियस है। यार अब सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या, माइटोसिस सेल डिवीजन है भाई इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ध्यान से समझिएगा न्यूक्लियस में डिवीजन। चलो अब अगर माइटोसिस होगा, पहला माइटोसिस हुआ तो एक से दो न्यूक्लियस, दूसरा माइटोसिस दो से चार न्यूक्लियस, तीसरा चार से आठ, ऐसे करके ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए। अब देखिए एंडोस्पर्म एक ही है उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियाई, ये स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियाई है, क्लियर। अब आप देख रहे हैं एक सेल के अंदर सारे न्यूक्लियस फ्री हैं, सारे तैर रहे हैं इधर-उधर, तो आपने क्या बोल दिया फ्री न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई तैर रहे हैं। तो बेटा ये एक एंडोस्पर्म का टाइप बन गया, क्या बन गया, आपने बोला ये एंडोस्पर्म क्या होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बन गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है फ्री है। अब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पे क्वेश्चन, पहले इतना नोट कर लीजिए, देखिए जल्दी से, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
इसका एग्जांपल क्या है? आपने कोकोनट टेंडर कोकोनट वाटर पिया होगा, क्या होता है नाम थोड़ा सा अजीब है, टेंडर कोकोनट वाटर। आपने ग्रीन कलर के कोकोनट देखे, ग्रीन कलर वाले बेसक देखे होंगे। तो इस ग्रीन कलर वाले कोकोनट के अंदर जो आप वाटर पी रहे हैं ना बेटा, वो कोई और चीज नहीं है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना। कितना कॉमन सी चीज, मतलब इस चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इस चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है यार कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अरे हम एंडोस्पर्म ही पी रहे थे, इसीलिए तो बहुत न्यूट्रिटिव होता है वो। क्यों? आप डायरेक्ट सेल ले रहे हो, डायरेक्ट आप न्यूक्लियस ले रहे हो, लेकिन लगता है पानी है, तो पानी पानी ही है सब, क्योंकि केमिकल है सब। तो फ्री एंडोस्पर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई लकड़ी और लोहे की बनी हुई चीज, एंडोस्पर्म केमिकल है। अब देखिए यहां पर फ्री न्यूक्लियर है, कुछ समय बाद इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब सेल मेम्ब्रेन बन गई, सेल वॉल बन गया बेटा, तो आप क्या कहते हो, अब ये सेल हो गया। क्या हो गया? सेल। तो ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉलिड। अब बेटा सॉलिड हो गया ना, तो आप नारियल का व्हाइट वाला पार्ट खाते हो, कैरमल, उसको बोलते कैरमल, व्हाइट वाला पार्ट। बेटा वो व्हाइट वाला पार्ट जो है ना, गरी जिसे कहते हो गरी, वो गरी क्या हो गई? वो गरी है आपकी सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, नॉर्मल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, अब वो गरी क्या हो गई? सेलुलर एंडोस्पर्म हो गई। नोट कर लीजिए इसको, दो टाइप पढ़ लिया आपने, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड सेलुलर एंडोस्पर्म। एक एलोवियल भी होता है, लेकिन एग्जाम में इसकी कोई जगह नहीं है और पूछा भी नहीं गया एग्जाम में अभी तक, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता दूं कि हेलोवियल जो होता है एंडोस्पर्म, ये हेलोवियल एंडोस्पर्म में पहले फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है, बाद में थोड़ी थोड़ी जगह पर सेल वॉल बन जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए दोनों के बीच का एक वो हमारा एंडोस्पर्म होता है, उसको हम बोलते हैं हेलोवियल एंडोस्पर्म। क्लियर? आप आ जाइए वापस अपने उस पे। तो इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN undergoes successive nuclear division to give free nuclei. This is called free nuclear endosperm. जो आप पहला टाइप पढ़के आए हैं, free nuclear endosperm. Second, number of free nuclei varies greatly. Endosperm becomes cellular due to the cell wall formation. और जब उसी nucleus के surrounding में क्या हो जाएगा? Cell wall बन जाएगी, तो बोल देंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। यहां तक क्लियर पॉइंट इस पेज पे? चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए उसे। क्या एग्जांपल? देखिए पहले देख रहे, अच्छे से कोकोनट वाटर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? टेंडर कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। टेंडर कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर है, फ्री न्यूक्लियस। चलिए दूसरा कह रहा है सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, ये जो गरी है, सराउंडिंग व्हाइट कर्नल जो गरी है, ये गरी क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। पिक्स देख के समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए बता दूं भाई, आईएससी वालों, बोर्ड में क्वेश्चन एक आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन, जैसा कि मैं कहता हूं लेक्चर देते समय मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा, आप समझदारी आप इसको नोट करते चाहिए, वीडियो तो आपके पास है, ये मेरा लेक्चर है, कहां कहां ढूंढेंगे, तो याद रखिए जैसे ही मैंने बोला क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, ऐड करिए एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दो एंडोस्पर्म के टाइप्स आपसे पूछेगा, क्या है सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल और क्या है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जांपल, दो एग्जांपल आपके पास हो गए, बोर्ड में दो नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन इससे बनना तय है। चलिए जब आप ये निपट चुके हैं तो हम आगे पहुंचे और बात करेंगे सीड्स, सीड्स फ्रॉम ओव्यूल, सीड्स फ्रॉम ओव्यूल की हम बात करें तो हम इसका आपको पिक देते हैं, पहले सीड्स कैसे ओव्यूल में कन्वर्ट होती हैं पहले ये समझ लें। अब हमें सीड बनाना है, देखिए जो बेटा आपका ओव्यूल था, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। अब ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपने ओव्यूल को ऐसे देखा था, एंटेगमेंट्स आपने देखे थे, ये एंटेगमेंट्स हैं, इसे आप क्या कहते थे कॉर्नर पे, ये इंटेगुमेंट्स थे। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इंटेगुमेंट्स किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके सीड कोट बन जाते हैं, ये आपके बन गया क्या सीड कोट। अब दो इंटेगुमेंट्स थे तो नाम दे दिए दो, आउटर मोस्ट टेस्टा और इनर वाली है टेगमेंट, आउटर मोस्ट टेस्टा और इनर वाली टेगमेंट, और दोनों को मिला के बोला क्या सीड को। अब देखिए सीड में जहां आप ओव्यूल में जहां पर इंटेगमेंट्स इनकम्प्लीट होते थे इस स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, माइक्रोपाइल, क्या बोलते थे माइक्रोपाइल, तो सीड में भी हम इसे क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल ही कहते हैं, तो ये हमारा हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ऐसे हमारा ओव्यूल अब सीड में चला गया, और सोचिए इस ओव्यूल के बाहर जो हमारी ओवरी थी, अब वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट, अब वो भी किसमें कन्वर्ट हो गए हमारे फ्रूट में। तो आप जो देख रहे हैं अंदर जो आपने था आपने लिया वो सीड जिसे आप फूंक देते हैं, ये वो सीड है। अब सीड पे बात कर लें, ये तो समझ में आ गया कि सीड बना कैसे, ओव्यूल तो हम एक डिफ्लेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, ये सीड की डेफिनेशन है, राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, ठीक है। अब ये सीड तैयार हो गई, सीड बन गई आराम से, अब जो राइपेंड ओवरी थी वो बन गया फ्रूट, तो फ्रूट में क्या लिख दीजिए
स्टाइपेंड ओरी, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फूड। दो चीजें राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड सीड एंड राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड। इस तरीके से आपने देख लिया कि क्या ओवरी है क्या सीड। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें मैं और ऐड कर देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, खुद ऐड कर देता हूं, आप इसे ढूंढिएगा कमेंट बॉक्स पे, इसका आंसर मैं दे दूंगा। व्हाट इज कभी कभी कुछ सीड्स में ओवरी की जो वॉल है वो वॉल फ्यूज रह जाती है, ओवरी की वॉल फ्यूज रह गई सीड में, आप उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, डिफिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप डिफिनेशन के हैं इच्छुक डिफिनेशन मिल जाए तो डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, आपको इससे में ढूंढना ना पड़े डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन में गाइड ही कर दे रहा हूं, रेमिनेंट ऑफ म्यूसेरस लेकिन कह रहा है अगर सीड में बचा रह जाए, न्यूसेरस मिल जाए हमें सीड में, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क के लिए ये भी, इसको भी आपने प्रैक्टिस डाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेरिस्पर्म। क्लियर, तो पेरिस्पर्म क्या, ये भी समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, पढ़ाओ तरफ फ्रूट की तरफ आ जाए हम लोग, चलिए फ्रूट्स पे आते हैं। जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ एग्जाम में टॉपिक इतने से ही आते हैं, मोनोकोटिलेडोनस से डाइकोटिलेडोनस से क्वेश्चन आपके लिए नहीं रहेंगे, ये पुराने हो चुके हैं क्वेश्चन, कि मोनोकोटिलेडन सिंगल कोटिलेडन है तो मोनोकॉट है, टू कोटिलेडन तो डाइकॉट है, तो इससे कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ। फ्रूट पे आ जाइए, अब फ्रूट पे कह रहे हैं कि ओवरी जो थी हमारी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, तो ओवरी जो हमारी डेवलप हुई किसमें, फ्रूट में। अब फ्रूट में बात करें तो देखिए कुछ ऐसा समझिए स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये फ्रूट है आपका, ये सीड है भाई, जो ओवरी थी वही सीड है, ये आपका सीड है। अब सीड के सराउंडिंग एक लेयर है, क्लियर, सीड के सराउंडिंग की लेयर के भी पास लेयर है और एक आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो आप जो ये लेयर देख रहे हैं सबसे इनर, जो सीड को कवर किए हुए लेयर, ये लेयर, इस लेयर को आप बोलते हैं एंडोकार्प, क्या बोलेंगे, एंडोकार्प। अब देखिए दोनों बीच में ये जो है ये मीजोकार्प, और जो आउटर मोस्ट है इसे बोलते हैं एक्टोकार्प, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। तो
तीनों लेयर को मिला करके हम बोलते हैं पेरिकार्प, यानी फ्रूट की जो एक लेयरिंग है फ्रूट में वो सारी लेयर को हम पेरिकार्प बोल रहे हैं। सबसे जो अंदर है वो एंडोकार्प है, मिडिल में मेसोकार्प है, और सबसे बाहर की तरफ क्या है एक्टोकार्प, तो इधर हमारा क्या है सीड है। तो ओवरी क्या होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लैशी हो जाती है, हार्मोन्स रिलीज करने लगती है, फ्लैशी हो गई, गूदेदार हो गई, तो इसी को आपने क्या बोल दिया, अब आपने इसी को फ्रूट बोल दिया। तो लेयर्स आप समझ गए होंगे, इनर मोस्ट एंडोकार्प, मिडिल की एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेसोकार्प, और आउटर मोस्ट एक्टोकार्प, सबसे बाहर की तरफ। इन सम स्पीसीज फ्रूट्स, फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी आपने देखा कि जो फ्रूट्स बन रहा है वो फर्टिलाइज, जो फ्रूट था वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा था, लेकिन समटाइम्स हमारी ओव्यूल की ही सेल्स डिप्लॉयड हो जाती है और डिप्लॉयड होकर के वो फ्रूट उगा देती है। ऐसी फ्रूट को हम बोलते हैं क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट क्या बोला अपना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट की खास बात होती है कि वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस होंगे, साथ ही साथ सीड अगर है भी तो वो जो सीड है ना वो जनरेट नहीं कर सकता, यानी नॉन वायबल, ये खास बात होती है। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच फ्रूट आर सीडलेस। मैंने बताया कि उन फ्रूट में सीड्स नहीं पाए जाते हैं। दो डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट की, ये बहुत ज्यादा अच्छे से पूछी जाती हैं, तो मैंने वही वही चीजें आपको रखी जिससे कि आप चीजों को अच्छे से कर सकें और आपके लिए बेहद जरूरी हो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लेके बैठे। और जैसा कि हम लोग एकेडमिक सेशन की बात कर रहे थे तो हमें अपना एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा तैयार करना है। तो एक डिफाइन आपके लिए मिलेगा एपोमिक्सिस, तीन डिफाइन इंपॉर्टेंट है, पार्थिनोकार्पी हो गए और एपोमिक्सिस, ठीक है। क्या है एपोमिक्सिस, इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन था, अब कह रहे हैं आप सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब हम सीड बना देंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो ऐसे के लिए हमने टर्म क्या यूज किया, एपोमिक्सिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्ड एपोमिक्सिस। एग्जांपल एस्टेरेसिया एंड ग्रासेस। एस्टेरेसिया बेसिकली आपने देखा होगा, मदार के पेड़ देखे होंगे, उसे उसकी वो जिस फैमिली में आ रही है वो एस्टेरेसिया फैमिली में आ रही है और ग्रासेस के फैमिली में आ रही है। It is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. बस इतनी लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इतनी लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या था कि it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. है और हो रहा है रिप्रोडक्शन ही, लेकिन मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मिमिक्री कर रहा, मिमिक्री समझते हैं ना, कॉपी करना, तो ये कॉपी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लेकिन हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब कह रहा है फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है और फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने अगर बात करें तो एक चैप्टर के टॉपिक को हमने समझ लिया और हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जब मैं रिविजन कराना स्टार्ट करूंगा तब उन टॉपिक्स को लाके खींचना चालू करूंगा। तो याद रखिए इस चीज को कि हमेशा लेक्चर्स को एंड तक देखें, और मैं जैसा कि आपके साथ साउथ सिटी पीसीएमबी पे अगेन साहू बना रहूंगा, ईयर लॉन्ग सीरीज है भाई, बीच में कहाँ चल जाएंगे, साथ में रहेंगे, साथ में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़ पाए, ज्यादा लोगों तक हमारे लेक्चर पहुंच सके। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।